करवा चौथ 2023 कब है, जाने शुभ मुहूर्त एवं पूजन विधि। हर साल सुहागिनों को करवा चौथ का बेसब्री से इंतजार रहता है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस दिन विवाहित स्त्रियां निर्जला व्रत करती हैं। चांद की पूजा के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है। करवा चौथ का त्योहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ के दिन करवा माता, चौथ माता और गणपति की पूजा आराधना का विधान है। विधि विधान एवं भाव भक्ति तथा विश्वास के साथ जो भी सुहागिने इस व्रत को करती हैं, वे निश्चय ही जीवन पर्यंत सुहागन रहती हैं। 2023 में करवा चौथ का शुभ मुहूर्त। इस साल करवा चौथ 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। इस बार करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:44 से रात 7:02 तक है। व्रती को पूजन के लिए 1 घंटे 17 मिनट का समय मिलेगा। साल 2023 में करवा चौथ का चांद 1 नवंबर 2023 को रात 8:26 पर निकलेगा। चंद्रमा की पूजा के बिना ये व्रत पूरा नहीं माना जाता है। अपने सुहाग की रक्षा, दीर्घायु और खुशहाली के लिए महिलाएं सुबह से लेकर रात चांद निकलने तक अन्न जल का त्याग कर करवा चौथ का व्रत रहती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से पति पर कभी किसी प्रकार का संकट नहीं आता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब असुरों और देवताओं के बीच युद्ध हुआ तो देवता हार की कगार पर थे। ऐसे में उनकी पत्नियों ने ब्रह्मा जी के कहने पर कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप करवा माता ने देवताओं के प्राणों की रक्षा की और वह युद्ध में जीत गए। पूजन विधि। करवा चौथ की खास पूजा शाम को चंद्रोदय होने के बाद की जाती है। पूजा और व्रत की विधि के अनुसार करवा चौथ के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। व्रत के संकल्प के लिए दाहिने हाथ में जल लेकर निम्न मंत्र को पढ़कर जल को किसी खाली पात्र में गिरा दें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये कर्क चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। इसके बाद दोपहर में पूजा की तैयारी करें। वैसे तो आजकल करवा माता के प्रिंट किए हुए कैलेंडर आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक बनाएं। फिर चावल को पीसकर फलक पर करवा का चित्र बनाएं। इस रीति को करवा धरना कहा जाता है। शाम को फलक वाले स्थान पर जमीन पर चौक लगाएं और माँ पार्वती और शिव की कोई ऐसी फोटो लकड़ी के आसन पर रखें जिसमें भगवान गणेश माँ पार्वती की गोद में बैठे हों। अब पूजा की थाली सजाएं और थाली में दीपक, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली तथा चावल की बनी मिठाई या सफेद मिठाई रखें। इसके बाद कोरे करवा में जल भर कर पूजा में रखें और माँ पार्वती को श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद माँ पार्वती भगवान गणेश और शिव के साथ चंद्रदेव की आराधना करें। फिर करवा चौथ व्रत कथा सुने या पढ़ें। चंद्रमा के निकलने पर छलनी से या जल में चंद्रमा को देखें, फिर चंद्रमा की पूजा करें और उनको अर्घ्य दें। उसके बाद अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। इसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर या निवाला खाकर अपने व्रत संपन्न करें, फिर अपने बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।